गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री गणेश का जन्मदिवस भी है। अपन बात कर रहे हैं VTS कैंपस से। अगर अपन बात करें कि आरबीएससी बोर्ड ने 12th क्लास में आज कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ सिलेबस जिस तरीके से इंक्लूड है, तो अपन 12th क्लास में आज हिंदी मीडियम के लिए अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम के लिए अपन ने इससे पहले श्वसन जो तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स की अपन ने स्टडी कर ली थी। तो आज अपन बात कर रहे हैं रक्त परिसरण तंत्र की, जिसका मैं हेडिंग लिख रहा हूँ मानव रक्त परिसंचरण तंत्र ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपने पास बेसिकली आरबीएससी पैटर्न में अपने पास तीन टॉपिक हैं। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है रक्त ब्लड, सेकंड टॉपिक जो है वो अपना है रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां मींस ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक लास्ट टॉपिक है हृदय हर्ट। अगर अपन बात करें बेसिकली तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र तीन मुख्य बिंदुओं में विभाजित है, रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय। तो रक्त और रक्त वाहिनियां और हृदय की अगर अपन इन तीनों मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास रक्त, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में। इससे पहले अपन एक बेसिक पॉइंट की बात करते हैं कि मानव में किस तरीके का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलता है। तो मानव में जो मानव है वो कोर्डेटा संघ का प्राणी है, कोर्डेटा संघ का प्राणी है, और कोर्डेटा संघ के प्राणी में स्तनधारी वर्ग में आता है ये, जहां पर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलता है, अर्थात रक्त बंद नलिकाओं में प्रभावित होता है। एनिलिडा और कॉर्डेटा संघ ऐसे हैं जहां पर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र मिलता है, रक्त बंद नलिकाओं में प्रभावित होता है। तो बंद नलिकाएं जो है वो रक्त वाहिनियां हैं और रक्त प्रभावित हो रहा है। रक्त के बारे में अपन मुख्यतः बात करेंगे। इसी का एक दूसरा प्रकार होगा खुले रक्त परिसंचरण तंत्र। तो खुले रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो वो ऑर्थोपोडा जैसे संघ में प्रभावित है, ठीक है। आज अपना टॉपिक है ब्लड, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य बिंदु रक्त। देखो अगर अपन बात करें बेसिक बिंदु फर्स्ट की, रक्त मींस ब्लड, ब्लड के कुछ मुख्य बिंदुओं की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। फर्स्ट मुख्य बिंदु है रक्त। तो ध्यान रखें ये एक कोमल संयोजी ऊतक है, कोमल संयोजी ऊतक है जिसका आधारीय पदार्थ तरल होता है, तो इसे तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तरल संयोजी ऊतक आधारीय पदार्थ कैसा होता है, तरल होता है, इसीलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं और यह शरीर का सबसे कोमल ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्योंकि इसका आधारीय पदार्थ अर्थात आप कह सकते हो मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, लिक्विड है, आधारीय पदार्थ द्रव्य है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो इसके रंग की, इसका रंग जो है वो चमकीला लाल होता है, किस कारण से कि आरबीसी की अगर अपन बात करें तो आरबीसी जो कोशिका है उसमें हीमोग्लोबिन जो अणु है वो आयरन का बना होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन का। और आयरन जो है वो प्लस थ्री अवस्था में चमकीले लाल रंग को प्रदर्शित करता है। केमिस्ट्री में आपके पास कई बार आएगा कि चमकीले लाल रंग को Fe+3 अपने आयन के रूप में क्या करता है, प्रकट करता है। कंफर्म, राइट है। नेक्स्ट बात करें इसके वॉल्यूम की, आयतन की। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसके अलग अलग है। अगर अपन बात करें एक मेल में, तो मेल में इसका आयतन होता है 5 से 6 लीटर। ये इसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर है। और फीमेल्स की शारीरिक क्षमता कम होती है मेल के कंपैरिजन में, इसलिए उनके अंदर 4 से 5 लीटर कम है पुरुषों की अपेक्षा, रक्त कम है। किसमें? फीमेल्स में, मादाओं में, औरतों में मादा जो है उसमें रक्त का आयतन कम है 4 से 5 लीटर, और जो मेल है उसमें 5 से 6 लीटर। तो आप ध्यान रखें ये शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, एक यूनिट जो ब्लड डोनेशन होता है कैंप, उसमें आपने कई बार सुना होगा एक यूनिट जो ब्लड डोनेशन है उसका रियल मीन्स है 250 ml, 350 ml। ये इसके सामान्य बिंदु है आरबीसी बोर्ड पैटर्न पे। सामान्य बिंदुओं में क्या क्या है अपने पास? सामान्य बिंदु में अपने पास कोमल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, रंग चमकीला लाल, आरबीसी, हीमोग्लोबिन अणु उपस्थित जो Fe+3 आयन का बना हुआ है, आयतन मेल जो नर है उसमें 5 से 6 लीटर, पुरुषों में रक्त का आयतन अधिक होता है महिलाओं की अपेक्षा क्योंकि पुरुषों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, फीमेल्स 4 से 5 लीटर शारीरिक क्षमता कम है, एक यूनिट ब्लड मीन्स 350 ml कंफर्म है। ये सामान्य बिंदु है रक्त के, मिटा दूं, राइट है। नेक्स्ट बात करें अपन रक्त के संगठन की। संगठन की बात करें इसके कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो रक्त जो है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है। 100% रक्त, ठीक है, दो भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग है प्लाज्मा और एक है रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं मींस ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% हिस्सा है 100% रक्त का, और रक्त कणिकाएं 45% हिस्सा है किसका? रक्त का। कंफर्म है प्लाज्मा दो भागों में विभाजित है, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। कार्बनिक भाग की बात करें तो इसके अंदर आपके पास ग्लूकोज है, एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, CO2 है, यूरिया है, एक्सेट्रा। अकार्बनिक पदार्थ में आपने पास क्या क्या है? सोडियम आयन्स है, क्लोरीन आयन्स है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, एक्सेट्रा, ठीक है। रक्त कणिकाओं की अगर अपन बात करें
राइट है। रक्त कणिकाओं की बात करें तो रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु कोशिकाएं, इन्हें एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से और ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। अदर बॉडीज में थ्रोम्बोसाइट कंफर्म है। यह है रक्त का संगठन जिसमें जो प्लाज्मा है वो 8% तक तो रहता है कार्बनिक और अकार्बनिक भाग में, जबकि 92% तक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जल है, तरल है। रक्त का प्रवाह है प्लाज्मा की वजह से है, क्योंकि प्लाज्मा का जो तरल है वो लगभग 92% कैसा रहता है? जल रहता है। ये है अपने पास रक्त का संगठन, कंफर्म है, राइट है भाई। ठीक है विद्यार्थियों, अपन ने रक्त के संगठन के बारे में पढ़ा है। देखो क्या है रक्त का संगठन, 100% रक्त जो है वो 55% प्लाज्मा व 45% रक्त कणिकाओं में विभाजित है। रक्त में मुख्यतः तीन रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और जो प्लाज्मा भाग है वो 92% लगभग 92% का मतलब हो गया कि रक्त का 50% तो जल ही है 92%, और अगर मेनली अगर अपन बात करें तो 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक भाग उपस्थित है। ठीक है, ये राइट है रक्त का संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो आप सब लोग मानवकारी की फर्स्ट में मानव रक्त प्रेषण तंत्र ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करें और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फर्स्ट पॉइंट को पढ़ें। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स अपन बाद में बात करेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, और ब्लड वेसल्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अगर कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो पूछने के लिए तो आप वीपीएस कैंपस आ सकते हैं। ठीक है, राइट है, आप इसको नोट कर लें।